शेफ आकाश राजपूत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं न्यू फूड रेसिपी के लिए। तो ये मैंने 300 ग्राम इमली को पानी में भिगो के रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इनको छान लेता हूँ। इसको अपने हाथों से इमली को निचोड़ लीजिएगा ताकि इमली का सारा पल्प निकल जाए। तो ये मैंने सारा इमली का पल्प निकाल लिया। अब हम अपनी चटनी बनाते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दूंगा और इसको हम गर्म होने देंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दूंगा और 1/4 चम्मच हींग। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब मैं इसमें ये अपना इमली का पानी डाल दूंगा। और हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच काला नमक। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमली का पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें 300 ग्राम गुड़ डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे 1/2 घंटे के लिए। अब मैं अपनी इमली चटनी में 6 छुहारे मैंने काट के स्लाइस कर लिया है वो डाल देंगे। सॉल्ट पाउडर डाल देंगे और साथ ही साथ मैं इसमें खरबूजे के बीज डाल देता हूँ और इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अब हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो मैं आपको इसकी थिकनेस चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये हमारे लकड़ी की चम्मच पे चिपक गई है, तो यानी कि ये